बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आज की वीडियो इन दोनों स्टूडेंट की कट ऑफ के रिगार्डिंग तो मैं आज बताऊंगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कल की वीडियोस में आपको बताया था कि एक और यहां पे काउंसलिंग होगी, क्या हो काउंसलिंग यहां पे होगी कि नहीं होगी, उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस यहाँ पर करता हूँ। स्टूडेंट जो लास्ट डेट आपके एडमिशन की है, जैसे कि तमाम स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बता दिया था 8 फरवरी 2023 तक आपकी यहाँ पर लास्ट डेट जो आज आपकी डेट है यहाँ पर एडमिशन के रहने वाली है। और जो एक और काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग में वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट की। जनरल ओपन की यहाँ पे बात करते हैं, जो लास्ट कट ऑफ गई यहाँ पे 499 रैंक पे। मैं पर्टिकुलर कॉलेजेस का नाम यहाँ पे बताऊंगा। रुचि बीच एक स्टूडेंट है, इन्हें जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड जनरल ओपन की सीट में यहाँ पे एलोटेड हुआ है। सेम यहाँ पे बात करते हैं जनरल वुमेन की, जो लास्ट कट ऑफ गई यहाँ पे 402। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट का नाम है प्रियंका, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। इनको जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रैंक इनकी है 402 रैंक है और इनका जो नाम है प्रियंका, और जो इनको कॉलेजेस एलोटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है जनरल वुमेन का। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट, जो जनरल ओपन की बात करेंगे, जनरल वुमेन की बात करेंगे, जो लास्ट रैंक पे जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस एलोटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, देख सकते हैं स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 44 है जिनको जनरल वुमेन की सीट यहाँ पे एलोटेड हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी ओपन की, तो ओबीसी ओपन में जो रैंक यहाँ पे मिली हुई है मैं आपको बता देता हूँ, 1003 रैंक जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है पर्टिकुलर स्टूडेंट को 1003 रैंक पे, मैं आपको बता ही देता हूँ। उनका नाम है यहाँ पे हरिओम उनियाल। इस स्टूडेंट को जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपावत का कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट को लास्ट रैंक पर जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है वो चंपावत का कॉलेजेस ही एलोटेड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी ओपन में जो रैंक थी 1003 पे, उनके जो मार्क्स थे यहाँ पे 39 मार्क्स थे। अब यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी वुमेन की, तो ओबीसी वुमेन पे जो रैंक थी 873 रैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है 873वीं रैंक पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं संजीता राणा एक स्टूडेंट है, इन्हें जो कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस अलॉटेड हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी की, तो एससी ओपन में जो लास्ट कट ऑफ गई यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, 2037 रैंक, कुमारी पायल इस स्टूडेंट का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ 2037 जो रैंक थे इस स्टूडेंट की, कुमारी पायल जिन्हें कॉलेजेस एलोटेड हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी वुमेन की, तो एससी वुमेन में 1405 रैंक पे जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो इनको कॉलेजेस एलोटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, और नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 मार्क्स इन स्टूडेंट के थे। अब यहाँ पे बात करते हैं एसटी जनरल की, तो एसटी जनरल में जो कट ऑफ यहाँ पे गई है एसटी ओपन की 879 मार्क्स पे, ममता स्टूडेंट का नाम है मैं आपको बता देता हूँ, तो इनके मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं 39 मार्क्स थे। इन्हें भी जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। एसटी वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सीट एलोटेड नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूंगा कि पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितनी सीटें फुलफिल हुई है, और आगे जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। सेम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओपन की यहाँ पे बात करते हैं, तो 1134 रैंक पे जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है स्टूडेंट को, दिया स्टूडेंट है इसका नाम, मैं आपको बता भी देता हूँ, दिया पोखरियाल, इनकी जो मार्क्स है 38 मार्क्स है, इन्हें जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है चंपावत का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वुमेन में 556 रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ 556 यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 मार्क्स है इस स्टूडेंट को जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस गोपेश्वर चमोली का कॉलेजेस इन्हें एलोटेड हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग की, तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग में जो कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओपन में जो लास्ट जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है 75 रैंक पे यहाँ पे जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ 75 स्टूडेंट की रैंक थी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जनरल ओपन में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यू आर ओपन जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है 75 रैंक पे, प्रियंका स्टूडेंट है, इन्हें जनरल ओपन के जो कॉलेजेस है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून का कॉलेजेस इन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं
जनरल वुमेन की। तो जनरल वुमेन में 47 रैंक में यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। प्रेमा एक स्टूडेंट है, इन्हें जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून का कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। ओबीसी ओपन में यहाँ पे कोई भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ। ओबीसी वुमेन में भी यहाँ पे कोई कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराई है। एससी ओपन में यहाँ पे 81 रैंक पे स्टूडेंट को अजीत स्टूडेंट ने कॉलेजेस एलोटेड हुआ है देहरादून का। बाकी एसटी वुमेन ईडब्ल्यूएस ओपन ईडब्ल्यूएस वुमेन में किसी भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट काउंसलिंग में नहीं की है। तो यहाँ पे आप आई होप जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो कट ऑफ है मॉपअप राउंड में उनके रिगार्डिंग मैंने बता दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने, भविष्य में भी उत्तराखंड नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल 2022 काउंसलिंग से संबंधित सूचनाओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट HNBUMU के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अर्थात अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट HNBUMU.ac.in पर नियमित रूप से अवलोकन करें। सबसे पहले बात करते हैं क्यों मैंने कहा कि आपकी काउंसलिंग यहाँ पे चांसेस है। सबसे पहले बात है बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। ध्यान देना स्टूडेंट, पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग 3 काउंसलिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट की सिर्फ 2 काउंसलिंग यहाँ पे हुई थी। फर्स्ट काउंसलिंग जिनके 50 से 50 से ऊपर थे, सेकेंड काउंसलिंग जो मोपअप काउंसलिंग आपका हुआ था। देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट की जो सीट थी यहाँ पे अपग्रेड हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपग्रेडेड सीट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेजेस की सीटें यहाँ पे वैकेंट रहेगी। साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्हें दूर का कॉलेजेस एलोटेड हुआ होगा और वह पर्टिकुलर कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे भी सीट वैकेंट रहेंगी। आई होप आप समझ चुके होंगे किस बेस पे मैंने कहा कि आपके यहाँ पे काउंसलिंग होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने रावत सर से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 12 या 13 तारीख को इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट HNBUMU के अनाउंसमेंट के सेक्शन में इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, जब तक आपकी यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट के सेक्शन में कोई अपडेट नहीं आता है, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितनी सीटें फुलफिल हुई है, कितनी सीटें वैकेंट रही है, पर्टिकुलर कैटेगरीज वाइज मैं आने वाले दिनों में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।